सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनित HSSC में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो अंबेडकर स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो चले हुए हैं, आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपने भी अगर अभी 10वीं पास की है, 12वीं पास की है या फिर ग्रेजुएशन पास की है तो आपके लिए फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं स्कॉलरशिप के हरियाणा की, जो हरियाणा के कैंडिडेट्स को मिलती है। क्या कुछ गाइडलाइंस होने वाली है फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म कैसे भरें, कैसे अप्लाई करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाले हैं, कुछ एक जो आपके डाउट्स हैं उनकी बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। मेन टॉपिक हमारे वीडियो की क्या है कि लास्ट डेट क्या होने वाली है, किस किस को स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को भी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, कितने दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगी, फॉर्म की फीस आपकी कितनी होने वाली है, कितने परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या जरूरी हैं, कितने रुपए आपको मिलेंगे और आपके जो हेल्पलाइन नंबर क्या होने वाले हैं स्कॉलरशिप वालों के। इसके अलावा बात करें आपके कुछ गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस आपकी क्या क्या है अगर उनकी बात करें तो आपके लिए जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उनमें आपकी गाइडलाइंस कुछ इस प्रकार से है। नंबर एक पर आपकी होने वाली है जो कैंडिडेट फॉर्म भरेगा वो हरियाणा का निवासी होना चाहिए, हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। उसके बाद नंबर तीन पर आपकी है कि आपकी जो इनकम है वो आपकी इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए। जो ये तीन गाइडलाइंस है इनको अगर आप क्रॉस करते हो, इनको आप कंप्लीट करते हो तो आप जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति का। इसके अलावा बात कर लेते हैं आपकी कुछ एक मेंस डाउट और हैं कि आपकी लास्ट डेट क्या है। तो आपकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो आपकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 होने वाली है, यानी आगे आने वाले 6 महीने तक आपकी जो फॉर्म है वो चलने वाले हैं। तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स अगर तैयार नहीं करवाए हैं अभी तक, डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार करवा लें। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं आगे चल के इसमें बात करने वाले हैं, किस किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलेगी अगर उसकी बात करें तो आपके जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी और BC कैटेगरी सभी कैंडिडेट्स को मिलने वाली है। BCA BCB SC कैटेगरी, जनरल, अहीर, राजपूत, ब्राह्मण, यानी सभी को ये स्कॉलरशिप है वो मिलने वाली है। इनकम कितनी होनी चाहिए, इनकम आपकी लेस देन 4 लाख होनी चाहिए, यानी 4 लाख से आपकी इनकम जो है वो कम होनी चाहिए। अब फॉर्म की फीस कितनी है, जो ये आप फॉर्म भरोगे स्कॉलरशिप का इसकी फीस आपकी 10 रुपये पे होगी जो आप सरल हरियाणा पे अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कितने रुपए मिलेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो आपने 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन अभी पास की है उसकी आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपकी DMC डिग्री जो भी आपके पास है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो है फैमिली इनकम वो 4 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में कोई है आपके फैमिली में, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो भी आप ये अप्लाई कर पाओगे। गवर्नमेंट जॉब में है अगर 4 लाख से इनकम कम है तो भी आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद हरियाणा की डोमिसाइल आपके पास होनी जरूरी है नंबर 3 पे। नंबर 4 पे है जो आपकी जर्नल और BC कैटेगरी को ओनली 10th बेस पे मिलेगी और SC जो कैटेगरी है उसको 10th बेस पे मिलेगी, 12th बेस पे मिलेगी, ग्रेजुएशन बेस पे भी मिलने वाली है। इसके बाद अदर जो आपके डाउट्स हैं उनकी बात करें, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए अगर आप 10वीं बेस पे अप्लाई करते हो। अगर आपने 10वीं बेस पे अप्लाई किया तो सभी कैटेगरी को मिलेगी, जर्नल, SC और BC कैटेगरी को। इसमें आपकी परसेंटेज जो अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो 60% होनी चाहिए, अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो तो 70% आपकी होनी चाहिए 10वीं पास। इसके बाद आपका आगे जो है एडमिशन होना ज़रूरी है, चाहे आप 10वीं बेस पे लिए, 12वीं बेस पे लिए या फिर ग्रेजुएशन बेस पे लिए, अगर आपका आगे एडमिशन है तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप आपको कितनी मिलेगी, 8000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 10th बेस पे। इसके बाद 12वीं अगर आपने पास की है तो 12वीं पास केवल SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलेगी, इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को नहीं मिलने वाली। SC हो गया या फिर घुमंतू जाति हो गई, डिप्रोवाइड कास्ट होगी, उनको मिलेगी। इसमें आपकी परसेंटेज अगर आप गांव से हो तो 70% होनी चाहिए, अगर आप सिटी से हो, शहर से हो तो आपकी परसेंटेज है वो 75% होनी चाहिए। इसमें आपका आगे एडमिशन होना ज़रूरी है, UG में हो या फिर किसी भी कोर्स में हो। इसमें आपको स्कॉलरशिप 8000 से 10000 के बीच मिलने वाली है। अगर आपने ग्रेजुएशन अभी पास किया तो भी SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, जिसमें आपको अगर आप गाँव से हैं तो आपकी 60% ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, अगर आप शहर से हैं तो 65% आपकी होनी जरूरी है ग्रेजुएशन में। आगे आपका एडमिशन होना चाहिए चाहे किसी भी कोर्स में हो। इसमें आपको स्कॉलरशिप 9000 से 12000 के बीच मिलेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, BCA से हैं, BCB से हैं तो आपको ओनली 10th पास पे ही मिलेगी और 10th पास आपकी जो है 2023 में ही होनी चाहिए, यानी लास्ट जब आपका रिजल्ट आया उसमें आपको होनी चाहिए, चाहे HBSC से पास हो आप, चाहे CBSC से पास हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपके पास फैमिली आईडी सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। फैमिली आईडी के बाद आपका जो है फोटो आपको चाहिए, सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। फैमिली आईडी, फोटो, आपकी
उस स्कॉलरशिप आप जिस पे आप स्कॉलरशिप ले रहे हो, यानी अगर आपने टेंथ पे लेनी है तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं पे लेनी है तो 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन पे लेनी है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद इनमें से कोई नहीं चाहिए। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अभी 6 महीने पड़े हैं, अगर आपने अभी तक बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, बैंक अकाउंट ओपन करवा लें ताकि आपको स्कॉलरशिप है वो मिल सके। इनकम सर्टिफिकेट आपको होनी चाहिए 4 लाख से कम की, जिसमें आपकी इनकम सर्टिफिकेट के लिए एक गाइडलाइन और है कि जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट है वो आपकी 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बनवा लो यार, बन जाएगी। 60-70 रुपये लगेंगे, 50 रुपये, 30 रुपये जितने भी लगेंगे वो लग जाएंगे, आप बनवा लो इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल होनी जरूरी है, डोमिसाइल जिसको आप हरियाणा रेजिडेंस बोलते हो, और कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों की नहीं बनेगी, SC वालों की बन जाएगी और BCA BC वालों की भी, BCA BCB की भी बनेगी, लेकिन जनरल वालों की नहीं बनेगी। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो आपके पास होगा, मोबाइल नंबर की कोई जरूरत नहीं, ईमेल आईडी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आईडी कार्ड आपका होना चाहिए जिस इंस्टीट्यूट में अभी आपका एडमिशन है, 10वीं पास करने के बाद, 12वीं पास करने के बाद, ग्रेजुएशन पास करने के बाद, यानी आपका आगे एडमिशन होना जरूरी है, उसका आई कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर फादर की डेथ हो गई है तो फादर डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ एक डाउट थे। इसके अलावा बात करें कितने रुपए मिलेंगे, तो उसकी यहाँ पे हमने बात कर ली कितने कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं, कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, उसकी भी बात हम कर चुके हैं। अब बात करें हेल्पलाइन नंबर की, हेल्पलाइन नंबर आपके क्या होने वाले हैं। तो हेल्पलाइन नंबर आपके कुछ इस प्रकार से हैं, 01723968400, ये आपके हेल्पलाइन नंबर हैं सरल हरियाणा के। इस पर आप जो कॉल करके कोई भी आपका डाउट है वो आप पता कर सकते हो, चाहे आपका भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो। तो ये वीडियो थी आपके लिए। अब फॉर्म कैसे अप्लाई आपको करना है उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट जाके अपना फॉर्म है अप्लाई कर सकते हो, वीडियो आप देख सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।